अजय दिख गया खिड़की में। हाँ 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 वीरू बैठ बेटा, वीरू बैठ, बाबूजी आ रहे हैं। हाँ 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 आराम से आराम से, रुकने दीजिए, भीड़ खत्म होने दीजिए। फ्रेंड्स मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल मोहित वीरू ब्लॉग। हम लोग सब परिवार जा रहे हैं बाबूजी को लेने। आज हमारे बाबूजी आ रहे हैं दादाजी को लेने। तो बज रहा है अभी अढ़ाई रात, सुबह के भोर के अढ़ाई। पूरा अंधेरा, पूरा सन्नाटा, सब चारों ओर गेट भी बंद है। हाँ सोसाइटी का गेट भी बंद है। चलेंगे अभी खोलेंगे, गाड़ी निकाल लिया जाए। और इधर हमारा बेटा मोही है, इसको भी जगा लिए हैं, ये सुबह ले जाएंगे। सब लोग मास्क लगा लिए हैं क्योंकि यहाँ की रात की हवा ना बहुत ही खतरनाक होती है। हाँ यार, अरे मेरा बच्चा तो तू है ना, तू खुलवाएगी। चल चल जल्दी खोल। फ्रेंड्स अभी हम चलते दादाजी को लेने, फिर आप देख सकते हैं ये मार्शल चौक है, चमचमाता हुआ मार्शल चौक, आर्मी एरिया। अभी और आगे बड़ा अच्छा लगता है, देखना उधर से कोई मोबाइल नॉइस नहीं चेक करे। मार्शल कहाँ रहा है? ये हमारे मार्शल जी। मम्मी कब मरे थे? बहुत मरे, स्वतंत्र देश को आजाद कराया उन्होंने। उनका नाम क्या था? सब लोग हमारे देश को आजाद। उनका नाम क्या था? मार्शल। पूरा नाम नहीं पता है, पूरा नाम क्या था देखा। उनका थोड़ा सा ही नाम बता। गाड़ी, अरे मतलब कि स्टैंड लगा रही है गाड़ी का। चलो चलो। सो फ्रेंड्स वीरू डैडी मोही और मैं, सब लोग आ गए रेलवे स्टेशन बाबूजी के इंतजार में। यहाँ सभी लोग ट्रेन के इंतजार में लेटे हुए हैं। और टाइम क्या हो रहा है अभी? शिरडी दादर स्पेशल 2:15 बज रहा है। नहीं ये तो एक्सपायर्ड इतनी रात को भी कोई जगता है? देखिए इतने सारे लोग जगे हैं। ए मोही, मोही सुन बाबू, तू बोलता है ना कि इतनी रात को कोई जगता है? देखो कितने लोग जगे हैं। वीरू इतनी रात को देख रही है ना कौन कौन जगह है? पूना गोरखपुर अभी नहीं दिखा रहा, नहीं दिखा रहा अभी, अभी टाइम है उसमें। तो यहाँ जितने भी लोग हैं, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, ट्रेन के इंतजार में बैठा हुआ है। देखो कितने छोटे छोटे बच्चे सोए हैं सब फर्श पे। वो देखो छोटा बच्चा जगा हुआ है, खेल रही है, कागज लेके खेल रही है। 15:29 पुणे एक्सप्रेस, गोरखपुर पुणे एक्सप्रेस, 2:45 AM अराइवल टाइम है। अभी प्लेटफॉर्म नहीं दिखा रहा है ना, ज़्यादा ठंडी पड़ रही है, हम कांप रहे हैं ठंडी से, इसलिए वीरू का टोपी छीन के हम लगा लिए हैं। छीने नहीं है, खुद से दिए वो। कही मम्मी बहुत ज़्यादा गर्मी है, और सही में गर्मी, उमस है, बारिश के लिए क्लाउड्स लगा हुआ है लेकिन बारिश हो नहीं रहा है। तो मैं बैठी हूँ, वीरू वही सब शुरू हो गया उसों का नाश्ता पानी, और डैडी भी है, वीरू मोही के पप्पा जी इधर हैं, ऊपर देख रहे हैं, ट्रेन डिसाइड कर रहे हैं, ट्रेन नंबर और प्लेटफॉर्म नंबर सब कुछ। लग ही नहीं रहा है ना कि यहाँ पे रात के 2:30 बज रहा है। ए वीरू ऊपर क्या देख रही? वीरू क्या देख रही हो मेरे सोना? आए बोलो क्या? बहुत भारी है जी, सिर बहुत भारी है। ये आ गया, ये देखो सामने आ गया।
हम लोग जा रहे हैं एक्सीलेटर से ऊपर, वो ही बाय आ गया सीधा हो जाओ। मुझे ना बहुत ज्यादा चक्कर आने लगता है इसमें। यस कभी कभी ना एक्सीलेटर पे चक्कर आने लगता है देख के तिरछा में। अभी ये मिसाल बज रहा है सुबह के 3, आधे घंटे हम लोग बैठे थे प्लेटफॉर्म पे। जब मैं पढ़ाई करती थी ना तो ये बड़ा हेल्दी था, अब ये दुबला पतला स्मार्ट हो गया है। जब मैं पढ़ाई करती थी ना तो ये मैं क्लास 7th क्लास से लेके ग्रेजुएशन तक मैं खरीदी हूँ, जब तक मेरा जॉब नहीं लग गया है। और जॉब लगने के बाद से मैं आज देख रही हूँ इसको, लगभग 10 साल बाद देख रही हूँ मैं। काफ़ी दुबला पतला हो गया, स्मार्ट हो गया है, रेट बढ़ गया है, हैं इसके ना यूटिलिटी में कमी आ गई है। 125 रुपये मैं खरीदती थी 45 रुपीज़ से। आ रहे आ रहे, एक मिनट जरा सा देख लें इसका इंडेक्स। आ रहे, 2 मिनट रुको, आ रहे इंडेक्स में। जो चीज़ें पढ़ी हुई रहती है ना फ्रेंड्स, उन बुक्स से ना बड़ा लगाव हो जाता है, दिल में लगता है कि कहीं मिल जाए, एक नज़र उसका देख ले। हाँ ये संपादकीय मुझे बड़ा अच्छा लगता था, ये मुझे ना बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है, मोटिवेट किया मेरी लाइफ में। इसको पढ़ने से ना एक अलग ही ऊर्जा मिलती है, बस ये संपादकीय। अभी आज की संपादकीय क्या है, परखो परखना है ज़रूरी, बिल्कुल सही बात है, है? तो ये है प्रतियोगिता दर्पण, हमारी फेवरेट पत्रिका जो मैं पढ़ती थी और इसी से पढ़ के मैं परीक्षा देती थी, बहुत ही फैंटास्टिक। रेडी और वीरू बड़ी जल्दी जल्दी भाग रहे हैं लोग। वीरू 2 दिन से तैयारी की है, दादाजी आ रहे हैं, दादाजी आ रहे हैं। सोना जागना सब भूल गई है, खाना पीना सब भूल गई है। वीरू का कैप मैं लगा ली हूँ, गर्मी ज़्यादा है फ्रेंड्स। ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 है, अभी आएगा ना एक जगह, ईस्ट साइड आएगा कि ईस्ट साइड आएगा, ट्रेन इधर से आएगा लास्ट तो उधर ही जाएगा ना। हाँ चलिए घर चलेंगे, गर्मा गर्म चाय बनाएंगे, सबको पिलाएंगे, ठीक है? हाँ चाय रोटी। इंतजार का फल मीठा होता है ना, बोलो मोही कितना मीठा लगा? एक मीठा भी नहीं लगा, जल्दी से आ जाना चाहिए था, जल्दी से आ जाना चाहिए था। लेकिन इंतजार जो है ना बड़ा मुश्किल पड़ता है, उसका फल बड़ा मीठा होता है। पूरे तो हम लोग 45 मिनट से वेट कर रहे हैं, ट्रेन अड़बसर में रुकी हुई है, अब जो है धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पे आ रही है ना। मेरे लिए थोड़ा सा मीठा था बस वो ना, गोरखपुर एक्सप्रेस ट्रेन आ रहा है, गोरखपुर एक्सप्रेस ट्रेन आ रहा है। और बोलो मामा, मेरे सफर का फल बस थोड़ा सा ही मीठा था। वो क्या था ना, मेरे को ना ट्रेन की क्राफ्टिंग करनी थी, वो तो फिर उसका एकदम अच्छे से देख। अरे वाह क्या बात है, ट्रेन को एकदम अच्छी, भैया को ट्रेन की क्राफ्टिंग करनी है। एकदम एकदम ट्रेन की क्राफ्टिंग करो। हाँ बोलो बोलो बोलो, आ गई आ गई, हाँ आ गई, वो आ रही है, देखो वो आ रही है। वीरू उल्लू बन गई, उल्लू आगे ट्रेन देख रही है, पीछे ट्रेन आ गई। मोहित थक गया है, पीछे तुम्हारे कौन खड़ा यार? और वीरू क्या चाल है? और सरकार जी, और सरकार जी क्या हाल चाल है? ये ग्रीन ग्रीन क्या लाइन आ रहा है? इस लाइन का वो लाइट ऐसे जा रहा है ना, रिफ्लेक्शन है, लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है। फाइनली फ्रेंड्स, लंबे इंतजार के बाद से बहुत ही सुहाना अवसर हमारे नसीब में आया, फिर से हमारी ट्रेन आ गई, हमारे बाबूजी की ट्रेन आ गई। और बाबूजी की बोगी है सबसे पीछे और हम लोग वहीं पे बैठे हैं, देखते हैं ट्रेन अगर हम लोग के सामने रुकी तो बाबूजी आराम से उतर जाएंगे, हम लोग उतार लेंगे। और सब बाप रे कितना भरा पड़ा है यार, ये सब लोग गोरखपुर से आ रहे हैं, साप्ताहिक ट्रेन चलती है ना फ्रेंड्स, इसीलिए इतना भीड़ रहता है। पता नहीं
नहीं फ्रेंड्स क्या दिक्कत हो गया है, बिहार की ट्रेनें रोज़ चलती हैं मगर गोरखपुर की ट्रेनें रोज़ नहीं चलती हैं। अगर कोई मेरी ब्लॉगिंग्स देख रहा है सो प्लीज़, अगर आपके हाथ में कुछ ऐसा है, आप में पावर है, सो प्लीज़ इस बात को और ज़्यादा सबको बताइए और ये प्रयास करते रहिए कि गोरखपुर की ट्रेन भी ये तो डेली चले, सातों दिन चले, ताकि पुणे से गोरखपुर जाना आना आसान हो सके। तो देखा बाबूजी को खिड़की में से, वीरू तुमको दिखाई दिए बाबूजी? पैर छू बाबूजी का, वीरू पैर छू बाबूजी का, ये पकड़ मेरा बता। कुछ नहीं कुछ नहीं, सब दो गाड़ी है हो जाएगा। दो दिन से तो ये परेशान है मैडम जी हमारी, दो दिन से ना बाजी कल ये स्कूल नहीं गई, ये भी स्कूल नहीं गई, आप इंतजार में मतलब ना हम समझ ही नहीं पा रहे ना, उठ के रोई है कह रही हम दादाजी को पास जाएंगे, दादाजी को लेने जाएंगे, ये नहीं सोच रही है कि रात के 2:30 बजे आएगा ट्रेन। बस खाना आम रोटी खाना, दो आप रख लीजिए, दो हम रख लेते हैं, पहुंच जाएगा आराम से। चले वीरू चले चलो। फाइनली फ्रेंड्स लेके आ गए हम लोग स्लाइड से बाबूजी को, सामान खींचो जल्दी जल्दी चलो घर,